सर, मैं सर से जानना चाहती हूँ कि यदि सर की सरकार बनती है तो जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, क्या उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि उनके चर्च तोड़े नहीं जाएंगे? हमारा देश ऐसा है जो कहता है इसका भगवान, उसका भगवान, उसका भगवान, ये हमारी सोच नहीं है। हमारे देश की सोच है ईश्वर एक है और उसे प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग यस है सर। और सभी रास्ते ईश्वर के पास ले जाते प्रेज द हैं। लॉर्ड। प्रभु के प्रिय जनों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल रेमा मिनिस्ट्रीज में। आपको जैसा कि पता है कि हमारे देश में सताव अनगिनत रीति से बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया भर में मसीह लोग अलग अलग तरीके से सताए जा रहे हैं और उनको विभिन्न प्रकार के सताव का सामना करना पड़ रहा है। कुछ विश्वासियों को उनके विश्वास के लिए मारा जा रहा है तो कुछ को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको पता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है, हमारे लिए कितना दुख सहा है। भले ही आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे देश के लोग जो मसीह विरोधी हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मसीह किसी धर्म जाति को बदलने के लिए नहीं, किसी को धर्मांतरण करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई बांटने के लिए, जीवन का मार्ग बताने के लिए, अनंत जीवन को देने के लिए आया है। आज भले ही ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा अंत आएगा, एक ऐसे अंत के समय में हम लोग हैं जहां प्रभु का आगमन निकट है। और भले ही सरकार इसका विरोध करती है, सरकार भले ही झूठे वायदे करती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा है जो वायदों को पूरा करने वाला प्रभु है। भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो रहा है सर्व पंथ समभाव। मैं इस देश के सभी नागरिकों को कहता हूं आप आश्वस्त रहिए, ये जातिवाद का जहर, ये संप्रदाय का जुनून भारत की प्रगति को रोकता है और ये हम नहीं होने देंगे। आज जो गवर्नमेंट हमारे देश में शासन कर रही है, ये गवर्नमेंट भूल गई है कि इस गवर्नमेंट के लिए हमारे देश के मसीही लोगों ने कितना प्रार्थना किया है, कितनी विनती की है। और हमारे देश के जो अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम हर एक जातियों को एक समान, एक तरीके से, एक नज़र से, इक्वलिटी के साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आज हमारे मसीही समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। मसीहों को बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी जगहों में आज लोग निकल निकल कर परसुकेशन के द्वारा भागे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में दिल्ली में एक ऐसे सभा पीस प्रोटेस्ट किया गया है जहां पर मसीही लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है, सरकार से मांग की है कि मसीही लोगों को इतना ना सताया जाए, मसीही लोगों की कलीसियाओं को ना तोड़ा जाए, मसीही लोगों को प्रार्थना करने से ना रोका जाए। तो हमारा और आपका कर्तव्य यही है मेरे प्रिय लोगों, कि हम परमेश्वर में बने रहे, हम परमेश्वर पर विश्वास रहे। एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आकर मसीही लोगों का, हमारे लोगों का न्याय करेगा। बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारतीय भारत देश है, पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये बाबाओं को मानता है, किसी दाढ़ी वाले को मानता है, किसी पगड़ी वाले को मानता है, किसी को भी मानता है, उसकी अपनी आस्था है। आज मैं खत्री परिवार से हूँ, अगर मैं यीशु को मानता हूँ प्रॉब्लम। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से, कि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मसीह ने को सताया गया है वैसे ही हम लोगों को भी सताया जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम से सताए जाते हो तो तुम अपने आप को धन्य समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा गया है। मेरे प्रियो, आज अगर आप भी सताव का सामना कर रहे हैं या भी अगर आपको भी सताव के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। प्रभु यीशु मसीह को एक पल के लिए भी आप मत छोड़िए। प्रभु आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। आप सताव को देख कर, सताव का सामना करते हुए परमेश्वर को छोड़कर उससे पीछे मत मुड़िएगा। उसके पीछे पीछे चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन के अधीनता में अपने जीवन को बिताइए और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में एक एक कदम आपके संग में चलता रहेगा। तो प्रभु आपको आशीष करे और परमेश्वर के निरंतर आप निकट में रहिए, उपवास रखिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।